आज हम नए तरीके से बनाने जा रहे हैं लौकी की सब्ज़ी। लौकी की सब्ज़ी बनाने के लिए पहले लौकी को चौकोर काट लेना है, उसके किनारे निकाल देने हैं और बीज का भाग है जो उसको काट करके रख लेना है। अच्छे से इसको चौकोर टुकड़ों में काटने के बाद फिर इसका हम मसाला तैयार करेंगे। ये छोटे टुकड़ों को तल लेना है, इसको डीप फ्राई करके अलग से रख लेना और उसके बाद में हम अभी इसका मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हंग गार्ड और लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, मिर्ची, हल्दी इसके ऊपर लपेट के और इसको बेसन में डाल के एक एक पीस को तल लेना है। और बेसन में भी नमक और मिर्ची हमको थोड़ा थोड़ा डालना है, डाल के इसको डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई होने के बाद इसको निकाल लेना है, ये पूरे टुकड़ों को ऐसा ही डीप फ्राई कर लेंगे। फिर इसके बाद में इसका मसाला तैयार करेंगे। निकाल के अभी अलग से रख लेंगे और ये ऐसा लाल होना चाहिए और इसमें तड़के में हरी मिर्ची, प्याज और जो भी अपने मसाले होते हैं, लहसुन अदरक पेस्ट, हरी मिर्ची का पेस्ट, ये सब डाल के इसको भूंज लेना है। उसके बाद में इसमें डाल देना है मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला, चाट मसाला, नमक, ये सब डाल के इसको अच्छे से भूंज लेना है। भूंजने के बाद इसमें आधा कप टमाटो प्यूरी डाल देना है, फिर टमाटो प्यूरी को भी इसमें मिक्स कर देना है और 5 मिनट ढक्कन लगाने के बाद में इसको अच्छे से भूंज लेना, ढक्कन लगा के रख देना है और फिर इसमें आधा कप पानी डाल देना। जब पानी तेल छोड़ देगा तो उसमें लौकी डाल देना है। लौकी डालने के बाद में कसूरी मेथी क्रश करके डाल देनी है, आधा कप लस्सी डाल देना है और ढक्कन लगा के इसको 10 मिनट के लिए पका देना है।